माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री पद से विमुक्त कर देना। ये इससे पूरे बिहार का माहौल और खास करके शिक्षा विभाग का माहौल खराब होने जी से, कि ऐसे लोगों को कम से कम शिक्षा विभाग से हटा के दूसरे विभाग के मंत्री बना दें और शिक्षा विभाग में कोई योग्य व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। देखिए ये तो गलत है और माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री पद से विमुक्त कर देना। ये इससे पूरे बिहार का माहौल और खास करके शिक्षा विभाग का माहौल खराब होता है और छोटा छोटा बच्चा जो हमारा है, जो भविष्य में देश का भविष्य है, उसके प्रति बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमारी सलाह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे लोगों को कम से कम शिक्षा विभाग से हटा के दूसरे विभाग के मंत्री बना दें और शिक्षा विभाग में कोई योग्य व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। इधर एसीएस और शिक्षा मंत्री में भी खाली हुई है तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक तरह से दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने तो अभी बोला है, आपके गाने के पहले बोला है कि जो शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी अपर सचिव हैं वो और शिक्षा मंत्री जी दोनों में 36 का संबंध है। 3 इधर होता है, 6 इधर होता है, 36 का संबंध है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि दोनों में 63 का संबंध बनावे, नहीं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद तो हो ही गया और जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है पूरा रसातल में चला जाए। जिस तरह से नीतीश कुमार राष्ट्रपति जी के भोज में सम्मिलित हुए, दूसरे दिन रविवार होने के बावजूद भी बिहार का फंड रिलीज हुआ, अब बातें यहाँ की राजनीति में आने लगी है कि फिर से नीतीश कुमार कहीं एनडीए की तरफ। ये अच्छी बात है, अब समय का इंतजार करिए। व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता। मैं याद किया था माननीय गृह मंत्री जी से मैं मिल के आया हूँ बिहार की स्थिति के बारे में। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसके बारे में मैं गया था, मेरे साथ में पूर्व सांसद सूरज भान सिंह जी भी थे। 11 बजे समय था हम लोगों को, तो बहुत सारी बातें हुई है उनसे। और देखिए कल उनका प्रोग्राम है बिहार में, माननीय गृह मंत्री जी का कल प्रोग्राम है और जब कभी भी वो बिहार आते हैं तो कुछ न कुछ देते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्री हैं तो पैकेज उस दिन दिया गया, रविवार को पैकेज दिया गया, फिर जरूरत होगी तो और दिया जाएगा। इसको आप दूसरे ढंग से ट्वीट नहीं करिए। G20 का सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता आई G20 का सम्मेलन था और उसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे थे और आप देखे होइएगा कि पूरे विश्व के स्तर पर जो 3 दिन का जो समय था वो बहुत ही ऐतिहासिक समय था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन ऐतिहासिक पुरुष भी हो गए। विश्व गुरु के तरह, गुरु के तरह, जैसे गुरु जी ने बच्चों को स्कूल में पढ़ाता उसी ढंग से उन्होंने अपनी बात कही और माना भी गया। और मैं समझता हूँ कि इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उस दिन रोल था, उसका जो उनका जो काम करने का तौर तरीका था, रात रात भर वो जगे रहे कि जो विदेश से हमारे मेहमान आए हैं उनको किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो और सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सुरक्षा का भी पुलजोर व्यवस्था था, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ था। और बड़ी खुशी जो भी विदेशी मेहमान हमारे देश में आए थे उनके मन में कुछ न कुछ पहले से रहा होगा कि हम इंडिया हिंदुस्तान जा रहे हैं तो कुछ हमको परेशानी होगी, लेकिन सब लोग काफ़ी खुशी बधाई देके प्रधानमंत्री जी को और अपने देश के लोगों को भी उन्होंने तहे दिल से हार्दिक बधाई दी। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।